नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम। अतीक अहमद की हत्या के बाद कई ऐसे मामले सामने आए हैं उसी के केस से जुड़े हुए कि हत्या के बाद भी अलग अलग टिप्पणी, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद की मजार पर किस मजार पर लहरा दिया है तिरंगा ये राजकुमार नामक युवक को कांग्रेस ने किया निष्कासित। आपको बता दें इसके पीछे क्या रही उसकी वजह, आई नजर डालते हैं इस बड़ी खबर। अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। हे बाबा, हे जितने भी 1,24,000 पीर पैगंबर, हे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, हे बाबा करम कर दो, हे बाबा करम कर दो। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो। अमर रहोगे तुम्हें मैं भारत रत्न दिलाऊंगा, तुम्हें सम्मान दिलाऊंगा, शहीद का दर्जा दिलाऊंगा। अतीक अहमद अमर रहे, 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 देश के झंडा अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अशरफ वाली कौन सी, अशरफ अमर रहे, अशरफ अमर रहे, अतीक अहमद 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 अमर रहे। ये उनके लड़के की, ये उनकी लड़की की है, उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं मिलेगा। ये अतीक अहमद के जिस तरह से योगी सरकार ने मर्डर कराया, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं कांग्रेस का वार्ड नंबर 43 से पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए, और क्योंकि जनप्रतिनिधि थे वो शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, और अतीक अहमद को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए और भारत रत्न दिया जाए। मोदी जब मुलायम सिंह को पद्म विभूषण मिल सकता है तो अतीक अहमद को संसद से, अतीक अहमद को क्यों नहीं मिलता भारत रत्न, उनको क्यों राजकीय सम्मान नहीं दिया गया, क्यों नहीं उनको तिरंगा झंडा उड़ाया गया उनकी कब्र पे। क्या बयान दे रहे हो यार, फालतू बात कर कांग्रेस कैंडिडेट। किस तरह के बयान आया था, क्या कार्रवाई करी आपने, क्या पूरा बयान जो आया, जिसके खिलाफ 106 मुकदमे हों उसके सम्मान की बात उसने किया, तो जब हम लोगों ने देखा तो तत्काल हमने जो है उसको 6 साल के लिए पार्टी से, प्रथम जैसे ही हमने बयान देखा उसको 6 साल के निकाल दिया गया, और हमारी पार्टी कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रही है। तमाम आपराधिक किस्म के लोग हमसे जो टिकट मांग रहे थे हमारे दल से, हमने उनके खिलाफ मुकदमे थे, हमने अपने पार्षद पद के प्रत्याशी अपनी खाली सीट छोड़ दी, लेकिन हमने टिकट नहीं दिया। तो पार्टी इस हमारी पार्टी कतई ऐसे लोगों के साथ नहीं है, इसीलिए मैंने उनको तत्काल पार्टी से बाहर कर दिया। अब वहाँ पर हम निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन करेंगे, क्योंकि हमको बाद में मालूम चला कि उसकी कुछ मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है, इधर 15 दिन में कुछ उसकी गड़बड़ हो गई, उसकी दवा चल रही थी और कुछ लोग उसको गुमराह करके इस तरह का बयान दिलवा दिए। इस बयान पे पार्टी भी बिल्कुल असर पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसे लोगों के साथ करता ही नहीं है कि जो इस टाइप के लोग हों और उनके सम्मान की बात की जाए। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे जो है हमने 6 साल के लिए उसको निकाल दिया, और जिन लोगों ने गुमराह करके उसको ले गए हैं उनको भी हम पता लगा रहे हैं कौन लोग हैं ऐसे लोग। प्रदीप मिश्रा।